कैसे हैं सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, तो यूट्यूब की पेमेंट गई है ठीक है, और पेमेंट कितनी आई है ये तो अभी मुझे खुद भी नहीं पता। पता मैं करती हूँ बस, मुझे तो बैंक वालों की तरफ से आई थी कॉल, क्योंकि मैं उनसे पूछ रही थी 3-4 दिन से कि भाई पेमेंट नहीं आई। पेमेंट आई हुई थी, वो रास्ते में कहीं अड़ी हुई थी अटक गई थी, ठीक है। पहुँचते पहुँचते टाइम लगा, फर्स्ट थी ना इसलिए। तो वो भी आप सबको बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि उसके उस पेमेंट का क्या किया जाएगा, कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, ठीक है, वो सब आपके साथ शेयर करूंगी। पहले तो मैं बाहर आई हुई हूँ, एक दो चीज़ें लेनी है वो देख लूँ, उसके बाद मैं कन्फर्म भी कर लूँ कि कितने आए हैं, तो आप सब उसके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा आप सबका हाथ है और आप सबका हिस्सा है, तो इंशाल्लाह मैं आप सबको बताऊंगी कि आपका हिस्सा मैं कहाँ कहाँ खर्च करने वाली हूँ, और वो सारी पूरी तरतीब मैं बताऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ जी, तो आजकल चौधरी साहब का हलीम खाने को बड़ा दिल करता है, ये देखें हलीम घर, ठीक है। वो अंदर चले गए अपने लिए हलीम लेने, तो हलीम लेके आते हैं, फिर उसके बाद जो है ना मैंने जो लेना है फिर वो देखते हैं, ठीक है। आजकल चौधरी साहब मेरे साथ कर रहे हैं ज़बरदस्ती खिलाना पिलाना। अभी मुझे यहाँ पे ले आए किमुन किमुन किमुन, सोच रहे होंगे ना कैसा, ये चाइनीज़ है, ठीक है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, ठीक है। यहाँ से कह रहे हैं कि सूप ले लो, क्योंकि ज़ुकाम और खांसी वगैरह और मरी से आए हैं ठंड से, तो कह रहे हैं कि बेगम को पिलाता हूँ ज़रा सूप, खुद के भी इनके सर में है दर्द, लेकिन सूप मेरे लिए स्पेशल वैसे उन्होंने दिया है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे, ट्राई करते हैं कैसा है इनका सूप, आप सबको बताती हूँ। फिर मैंने सूप लिया है जी किम मुन रेस्टोरेंट से, ये फिश है इसमें, तो चौधरी साहब को मैंने डाल के दिया, वो ट्राई कर रहे हैं कैसा है, मैं भी ट्राई करती हूँ कि कैसा है। यहाँ पे हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है ना, तो ये तो ऐसे ही था, ये देखो उसी तरह बॉल बड़ा पड़ा हुआ है, ये वाला कोई ख़ास पसंद नहीं आया। अभी एक और एक और हमने मंगा लिया, तो हमने कहा चलो सूप पीने आए, तो हमने सूप पिए तो सही ना, ये तो बस ऐसे ही, इसमें से थोड़ी सी फिश हमने खा ली है, सूप का कोई ख़ास टेस्ट मुझे तो पहले ही नहीं सही लगा था। ये देखें, ये पानी देखें उसका, इसलिए अब दूसरा मंगाया, वो ट्राई करते हैं, देखते हैं वो कैसा है। अभी जो हमने ये वाला लिया है ये ठीक है, शक्ल से भी ठीक है और खाने पीने में भी ठीक है, वो तो ऐसे ही था, कच्ची सब्जियां और कच्चा पानी था, बेकार मेरी। दरअसल फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे ना, इसलिए पता नहीं था वो कैसा होगा। ये देखें, ये सही ज़बरदस्त, मैंने खा के चेक कर लिया, मैंने ये वाली ली है, मैंने ली है यहाँ से हर्ष पपीस। मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ पे है, F6 में, ठीक है, बैक साइड वाले रोड पे। फुल मेडिकेटेड चप्पल इनके पास आई हुई है, जिसको चाहिए वो यहाँ पे आके ले ले। ये देख लें निशानी हर्ष पपीस की शॉप, पर मुझे अच्छी चप्पल मिल गई है 3500 की। हाँ जी, तो व्यूवर्स, बाजार से होके मैं आ गई हूँ घर, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूँ यूट्यूब की पेमेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि क्लियर तो नहीं बताते कि कितनी आई है, लेकिन चलो कुछ थोड़ा बहुत जैसे सब बताते मैं भी बता दूंगी। अभी मैंने निकलवाए नहीं है, जैसे मेरे अकाउंट में आए अकाउंट में ही पड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे कोई ज़रूरत पेश आएगी मैं निकलवाऊँगी, और मैं आपको बता दूँ कि इनका क्या किया जाएगा, इन पैसों का मैं क्या करूँगी, वो सब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बताना जो है ना ज़रूरी है। 5000 तो इसमें से मैं दूंगी मस्जिद को, ठीक है, ये जो 5000 मस्जिद को जा रहा है वो मेरी तरफ से नहीं जा रहा, वो आप सब की तरफ से जा रहा है, ठीक है। कहते हैं कतरे कतरे से दरिया भरता है, ठीक है, आप लोगों ने एक ने देखा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, फिर जाके व्यूज़ आए, फिर जाके ये मुझे पैसे मिले, ठीक है, इसमें आप सबका हिस्सा है, ये मेरे अकेले के नहीं होते। हम तो व्लॉग बनाते हैं डालते हैं, ठीक है, हम मेहनत करते हैं, लेकिन आप सबका सबसे ज़्यादा हाथ इसमें होता है, सबसे ज़्यादा आप लोगों का हिस्सा होता है, ठीक है। 5 मैं मस्जिद को दूंगी, ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं किसी से मांग के नहीं दे रही कि भी मुझे 2 मैंने देने हैं, मैं अपने पास से दे रही, मैं दूँ या ना दूँ इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों ने जो देखना था आप लोग देख चुके हो, मैंने जो कमाना था मैं कमा चुकी हूँ, ठीक है।
लेकिन मैं दूंगी और आप सबको दिखाऊंगी भी। अभी मैं बता रही हूँ, जब मैं बुझवाऊंगी बकायदा मैं दिखाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जी 5,000 रुपया मैं दूंगी मेरी बहन को, जो कि मेरी बहन बेवा है, उसका हस्बैंड फौत हो गया, ठीक है, 10,000 हो गया। उसके बाद 2,000 रुपया मैं दूंगी अलीजा को, ठीक है। अलीजा जो मेरी भांजी है, पापा तो उसका फौत हो गया, लेकिन उसने काफ़ी वो मेरे साथ व्लॉग बनाने जाती थी, इधर घर में भी मेरे वो व्लॉग बनाती थी, मुझे लगता है कि उसको भी देने चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2,000 रुपया मैं दूंगी इसमें से नवीद को, नवीद जो मेरा भतीजा है, मेरे भाई का बेटा है, ठीक है, क्योंकि उसने भी मेरे साथ काफ़ी टाइम हो गुजारा, वो भी मेरे साथ वीडियो बनाता था, मेरे साथ व्लॉग बनवाता था, ठीक है, तो उन बच्चों का हिस्सा लाजमी है इसमें, ठीक है। और शानी जो है वो उनसे बड़ा है, उसको जाएगा 4,000 रुपया, ठीक है, शानी को 4,000 रुपया जाएगा। शानी का मेरा फर्स्ट व्लॉग शानी ने मेरे साथ बनवाया, डीट भी शानी ने किया, अभी तक भी शानी काफ़ी डीटिंग भी करता है और साथ साथ व्लॉग भी बनाता है, खर्चे तो वो मुझसे लेते ही रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये जो पहली सैलरी आई है उसमें से जो मैंने सोचा है कि इन बच्चों को जो मैंने देना है, 2 नवीद को 2 लीजे को, 4 शानी को 8 5 सिस्टर को, ठीक है, 5 मस्जिद को जाएगा, ये हो गया 18,000 रुपया, ठीक है। ये 18 तो इनकी तरफ चला गया, तो अब असद क्या लेगा मुझे नहीं पता, मैंने 5 ही असद के लिए भी सोचा है, ठीक है, असद को भी मैंने ये 4-5 ही सोचा है कि उसको भी इतने को दूंगी, यानी 25-30 हज़ार रुपया ऐसे ये मेरा चला गया, ठीक हो गया। उसके बाद भी 20,000 रुपया बचता है, मैं आप लोगों को बता दूँ, 30 निकाल के 20 को और भी बचता है, ठीक है, तो अंदाजा कर लें कि कितने बनते हैं, 30-20, वो मतलब आप लोग समझ गए हो कितने हैं, ठीक हो गया। और जो ऊपर वाले 20 हैं उसमें से मैंने क्या करना है, कुछ मैं अपने पे देखूंगी, अगर कोई खर्च करने हुए तो करूंगी, नहीं तो वो भी मैंने सोचा है कि उनमें से भी मैं देग बनवाऊं, या मैं खाना बनवाऊं, वो या मैं गरीबों में तकसीम करूंगी, या फिर मैं मदरसे में भिजवाऊंगी, जो भी करूंगी वो मैं आप सबको दिखा दूंगी, ठीक है, और बता भी दूंगी, तो आप सब ने बताना है कि मैंने कैसा सोचा है, और ये सब जो मैंने ऐसे किया है आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा, ये आप सब ने बताना है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे यूट्यूब की सैलरी आए करेगी, इसमें से आप लोगों का हिस्सा इसमें शामिल है, उसमें से मैं कुछ ना कुछ एक अच्छी और नेक जगह पर लगाऊँ करूँगी, ताकि हमारी आखिरियत भी थोड़ी सुधर जाए, कुछ हम अल्लाह की राह पे दें, अल्लाह की राह पे जो खर्च करेंगे हमें असल तो वहीं से फ़ायदा मिलना है, क्योंकि अल्लाह जो है हमारी बख्शिश फरमाएगा, उसमें आप सबका हिस्सा शामिल होगा। मैं को किसी से ये नहीं कह रही कि आप लोग मुझे पैसे भेजो जी, मैंने यहाँ देने या वहाँ देने, नहीं, जो यहाँ से मैं अर्न करूँगी उसमें से मैं लगाऊँगी, तो आपका हिस्सा तो उसमें शामिल होगा, क्योंकि आप देखेंगे तो आपकी तरफ जो आप व्यूज देंगे, व्यूज के हमें पैसे मिलते, तो आपका हिस्सा तो ऑटोमेटिकली बन गया। ये तो इंसान को खुद सोचना और समझना पड़ता है, हकीकत तो यही है, ये आपका दिया हुआ ही होता है, ठीक है। हम मेहनत करते हैं और अल्लाह रंग लगाता है, और आप हम सब का जो है ना ये मिला जुला हिस्सा होता है, ठीक है। लोग तो सांप बन के ऊपर बैठ जाते हैं कि ये मेरा ये, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अभी इस महीने के तो इतने को ही बने हैं जो मैंने आप सबको तकसीम करके बता भी दिए हैं, ठीक है, इसमें से मैंने कुछ नहीं रखा आपके सामने ही है। ऊपर जो 20 बच रहा है उसमें भी मैं जो देग वगैरह बनवाती हूँ, मेरी 10-12 हज़ार से कम नहीं बनती, क्योंकि मैं अपनी मर्जी की चीज़, जैसे मैं चीज़ खुद खाती हूँ ऐसी मैं चीज़ अल्लाह की राह पे भी जो देती हूँ मैं ऐसा ही बनवाती हूँ। मैंने कभी गलत नहीं बनाया कि मतलब चने वाला बना दो या सब्जी वाला या मतलब हल्का मटेरियल लगवा के, नहीं, अच्छा चावल जो भी गोश्त जो चीज़ भी करती हूँ मैं अच्छी करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं मुझे खुद को अच्छा खाना पसंद है, तो जाहिर है उसमें से मैंने भी खाना होता है, अगर वो अच्छा नहीं बना होगा तो मैं खुद तो खाऊंगी नहीं, फिर तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए ये जहाँ जहाँ पैसे खर्च होंगे मैंने आपको बता दिए हैं, और बाहर आउट ऑफ फैमिली में भी मैं देखती किसी को अगर कोई लेने का हकदार होता तो उसको भी मैं देती, लेकिन इसमें से अभी कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद को दे के भी मैं खुश हूँ, बहन बेवा है उसको दे के भी मैं खुश हूँ। कहते हैं पहले अपने घर में देखो, फिर रिश्तेदार देखो, फिर हमसाए देखो, फिर बाहर देखो, जो लेने का हकदार है उसको दो, ठीक है, तो उसका कमाने वाला कोई नहीं, मैंने सोचा चलो 5 उसको दे देती हूँ। तो बच्चों का तो हक है, उनको तो मैं कहती होती थी, वैसे बच्चे मुझसे लेते ही रहते हैं, लेकिन उनको अब जब सैलरी आई तो वो कह रहे हैं हमारा हिस्सा, हमारा हिस्सा, उनको तो मतलब वो शौक चढ़े हुए कि हमारा हिस्सा दो। देखो जी उनका तो बनता है, क्योंकि उन सब ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, ये तो उनकी मेहनत के मुताबिक ये बहुत कम है, लेकिन मैंने उनको कहा कि अभी ये 2-2 ले लो,
जब अगली सैलरी आएगी ना फिर ले लेना, ठीक है? क्योंकि अभी मैंने कहा पैसे इतने कोई हैं तो इस जगह पे मैंने लगा रहे हैं तो मसा जो पूरे ही आएंगे। तो बच्चे राजी हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, मतलब हमें इतने इतने दे दो, हम राजी हैं, ठीक है। उन सबको भिजवाऊंगी, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, और ये जो मस्जिद को देने वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, और जो अल्लाह की राह पे खाना तकसीम करूंगी या मदरसे में भिजवाऊंगी वो भी आप सबको बताऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में वो भी आएगा। तो अभी मैं आप सबसे चाहूंगी इजाजत, ये काफी हो गया है, तो आप सबसे इजाजत चाहूंगी, और आप सबके तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे आप लोग देखोगे ना, व्यूज पूरे दोगे तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो अर्निंग आएगी ना वो अच्छी जगह पे जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा मैं उसके ऊपर सांप बन के नहीं बैठूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह की राह पे देना और लगाना तो मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। इसमें से आप में से कोई दे या खुश हो या ना हो, मैं खुद खुश होती हूँ ये करके, ठीक है। अभी मैं इजाजत चाहूंगी जी, अल्लाह हाफिज़।